बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज मोहम्मद अमजद यासीन। मैं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लिए। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हम अपना आज का जो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं और इसकी जो ग्रेडिंग की वेटेज है वो हम देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हो। सबसे पहले मैं आपको पहली स्लाइड की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले पहली जो स्लाइड के जो है, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कोर्स के। इस कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि ये जो है स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मुलेट प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन फॉर रियल प्रॉब्लम्स, रीइंफोर्स द की कॉन्सेप्ट्स टू अप्लाई इन प्रैक्टिकल लाइफ, हेल्प टू इंक्रीज द प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये है कि सबसे पहले तो ये होगा कि आप प्रोग्रामेटिक सॉल्यूशंस देखेंगे जो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल होंगे, और इसके अलावा ऐसे हम की कॉन्सेप्ट्स, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और इसके बाद आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आपकी जो प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी है स्टूडेंट्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आप जो है प्रोग्रामिंग सीखेंगे और इसको फिर आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और बेसिक लेवल के जो प्रोग्राम है उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के बाद हम लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद सबसे पहले जो लर्निंग आउटकम ये होगा अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट ऑफ सी प्लस। सबसे पहले तो ये होगा कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट क्या है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सेकंड आउटकम क्या होगा, लर्न टू राइट एल्गोरिदम एंड सीडो कोड एंड फ्लो चार्ट। आप एल्गोरिदम लिख सकती हैं प्रोग्राम का, उसके अलावा आपको सीडो कोड उसको देख सकते हैं और आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तीसरा आउटकम इसका ये होगा कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कोड रिटन इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तीसरा जो आउटकम ये होगा कि आप अपने जो प्रोग्राम है उसको आप कंपाइल करने के काबिल हो जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करने के काबिल हो गए, और ये आप जो कि आपने अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर लिखा होगा। इस कोर्स का जो चौथा लर्निंग आउटकम ये होगा वर्क विद द एलिमेंट्री डेटा टाइप्स एंड कंडीशनल इटरेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसके बाद जो आपके जो एलिमेंट्री डेटा टाइप्स हैं, इसके अलावा आप कंडीशंस लगाने के काबिल हो जाएंगे, मतलब किस्म की कंडीशंस हैं, आप जैसे कि आपकी रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह की वो इस तरह के हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स लगा रहेंगे। इटरेशन यूज होंगे इसमें, आप किसी भी चीज है कोई भी वैल्यू है उसको बार बार रिपीट करते हैं, कोई भी वैल्यू ऐसी है इटरेशन के जरिए लूप के जरिए जो है वो आप उसके आउटकम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें फंक्शंस भी अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो इसका जो नेक्स्ट इसका जो आउटकम हुई है कि ट्रांसलेट सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू सी प्लस प्लस। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो सिंपल वर्ड्स की आपकी जो आम रेगुलर लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको आप सी प्लस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकेंगे। परफॉर्म डिबगिंग एंड फिक्सिंग ऑफ कॉमन सी प्लस प्लस एरर्स, आप डिबगिंग करेंगे और इसके अलावा आप जो डिबगिंग करने के बाद आप उस एरर्स को फिक्स करने के बाद उन एरर्स को आप जो है वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम से रिमूव कर सकेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बाद ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले होगा जी क्विजेस। क्विजेस की यहाँ पे वेटेज है 10%। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन होगी, हर स्टूडेंट आपकी प्रेजेंटेशन देगा, उसकी जो टोटल ग्रेड है उसमें 5% वेटेज होगी। हम आपको प्रोजेक्ट भी देंगे, प्रोजेक्ट की जो वेटेज होगी वो 15% है। मिड टर्म में 30% होगा, फाइनल टर्म का जो टोटल जो 100% पॉइंट है उसमें से 40% वेटेज इसकी होगी। चलिए अब आज कोर्स के हवाले से हमने थोड़ा सा देख लिया, अब हम अपने जो आज का जो लेक्चर है इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ देख रहे थे। इसके आज का जो हम लेक्चर जो लेने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हम कर सकते हैं।
तो इसमें हम तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले जो टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग होगा। हम प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देंगे कि प्रोग्रामिंग है क्या चीज। नेक्स्ट जो आपका सेकंड आपका टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के हवाले से इंट्रोडक्शन होगा। थर्ड वन है जी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट इन सी प्लस प्लस, और हम इसके बाद तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सी प्लस प्लस का हम प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट देखेंगे। तो चले जी हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहला टॉपिक की तरफ आते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की तरफ। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की तरफ आने से पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम ये होता है कि ये प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू डू अ टास्क। ठीक है, प्रोग्राम आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है जो आके आप कंप्यूटर को देती हैं कि आपने क्या काम करना है और कैसे करना है। ठीक है, कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसकी आउटपुट जनरेट करता है और हमें उसका जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और इस सारे प्रोसेस इसको हम एग्जीक्यूशन कहेंगे। और जो हम कंप्यूटर को जो चीजें बता रहे थे वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। बेसिकली आप जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है अकॉर्डिंग टू अवर इंस्ट्रक्शन। हमारी हदायत पे अमल करते हुए वो जो पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती है जो हम कंप्यूटर को इनपुट वैसेस देती है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करती है, उसकी आउटपुट जनरेट करती है और हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम जो ये प्रॉब्लम्स पे मुश्तमिल होता है। हम इसको कंप्यूटर को प्रॉब्लम देते हैं, वो जो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोग्राम एक बेसिकली प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसकी जो कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। और कंप्यूटर क्या करता है, इन इंस्ट्रक्शंस को कोडिंग करता है बाइनरी फॉर्म में। कोडिंग करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करके उसकी आउटपुट जनरेट कर देता है। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं, डाटा बेसिकली क्या है, रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं। जबकि जो इसका प्रोसेसिंग पीरियड होता है वो इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसकी प्रोसेस फॉर्म क्रिएट करता है। वो जो प्रोसेस फॉर्म होती है वो बेसिकली आपकी क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कंप्यूटर के जरिए आउटपुट वैसेज के जरिए हमें गेट हो जाती है। तो ये तो था प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा इंट्रो। आगे बात करते हैं जी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है। बेसिकली प्रोग्रामिंग से ये जो होती है कि जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम को लिखने के लिए एक खास किस्म की लैंग्वेज या एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो राइट किए जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोग्राम्स टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग। यानी कि एक ऐसे प्रोग्रामिंग बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और ये जो प्रोग्राम्स है ये कैसे क्रिएट होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि ये डायग्राम आप देखिए, सबसे पहले क्या ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में हमने क्या किया, ये कंप्यूटर को हमने प्रॉब्लम दी। और अब ये बात करते हैं इसमें प्रोग्रामिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर सर्कल में स्टेप वन है, स्टेप टू है, स्टेप थ्री है। यानी कि आप कोई भी प्रॉब्लम को आपने हल करना है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंस के साथ हल करेंगे तो उसके आपको रिजल्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। अगर उसकी सीक्वेंस ठीक नहीं होगी तो रिजल्ट भी ठीक नहीं होंगे। तो ये एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करता है, आपकी जो लैंग्वेज होती है, प्रोग्राम होता है, वो स्टेप बाय स्टेप पूछा होता है आपका। आगे ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट क्या होते हैं, बेसिकली ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी प्रोग्राम की, या आपकी टोटल जो है वो जितना भी प्रोग्राम होता है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम फ्लो चार्ट्स कहते हैं। फ्लो चार्ट्स के जरिए आप उसको प्रोग्राम की सीक्वेंस को और स्टेप्स को आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे बात आ जाती है, ये अभी हम नेक्स्ट आगे जाके कवर कर लेंगे। आप ये देख लेंगे उसके बाद उसने उसको जो होता है
उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद उसकी सॉल्यूशन करके उसको आउटपुट जनरेट किया। कंप्यूटर को जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही होती है, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, तो बेसिकली क्या कहलाती है, वो सोर्स कोड कहलाती है प्रोग्रामिंग में। और जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद, उसको कन्वर्जन करने के बाद, उसको कन्वर्ट करके उसकी जो आउटपुट जनरेट करता है, वो आपकी आपका ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जहां पे मैं आपको बताता चलूं, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है दो टाइप्स की होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज डीओ टू ह्यूमन होती है, यानी कि उसको आम इंसान जो है वो आसानी के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो है ना वो यूज होते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज नियर टू मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि ये कंप्यूटर जो है वो बाइनरी के बाइनरी फॉर्म को समझता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में ये जितनी भी होती है आपकी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो बाइनरी में कन्वर्टेड हो जाती है। तो बाइनरी लैंग्वेज जो बेसिकली नियर टू मशीन होती है। तो आगे अगर देखा जाए तो लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में ये जो मिडिल लेवल की लैंग्वेज होती है, इसमें हम जो है ना वो यूज करते हैं, जैसे कि एड ए डबल डी एड, इंग्लिश लाइक वर्ड्स भी यूज करते हैं, और आगे इंस्ट्रक्शन जो वो उसमें भी यूज होती है, बाइनरी फॉर्म में भी यूज होती है। मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, ये प्योर बेसिकली प्योर बाइनरी फॉर्म होती है, और ये इंसान के लिए इसको इसमें प्रोग्रामिंग करना मुश्किल होती है बनिस्बत हाई लेवल लैंग्वेज के। अब हाई लेवल लैंग्वेज की बेशुमार एग्जाम्पल है, जैसे है सी प्लस प्लस, ये भी इसकी एग्जाम्पल है, कोबल है, पास्कल है, फोर्ट्रान है, ये सारी जो है ना ये बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल्स है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, आगे बात करते हैं जी इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस की। अब जैसे कि मैंने लैंग्वेजेस के हवाले से आपको बताया कि दो टाइप्स की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये सिस्टम रिलेटेड एप्लीकेशंस को भी डिजाइन करता है, और बेसिक ये जो है हर तरह की जो एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। तो इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, सबसे पहले ये होता है कि ये सी प्लस प्लस प्रोनोड सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगेन एज एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ सी। सी लैंग्वेज जो ये जो सी प्लस प्लस है, ये इसका सी लैंग्वेज का एक्सपेंडेड वर्जन है। पहले सी लैंग्वेज आई और उसको एक्सपेंड करके इसके अंदर फीचर्स ऐड करके इसको सी प्लस प्लस का नाम दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि सी प्लस प्लस वर फर्स्ट इन्वेंटेड बाय द चार्ल्स प्रॉप्स इन 1979 एंड पेन पार्टर इन न्यू जर्सी। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये बजाज स्ट्रॉप्स ने 1979 में बेल लैबोरेटरी मरी हिल न्यू जर्सी में इसको इन्वेंट किया था। बजाज स्ट्रॉप्स इनिशियली कॉल्ड द न्यू लैंग्वेज सी विद क्लासेस, हाउएवर इन 1987 द नेम वाज चेंज्ड टू सी प्लस प्लस। बजाज स्ट्रॉप्स ने इनिशियली तौर पे सी का नाम जो वो रखा था सी विद क्लासेस, और 1983 में इसका नाम चेंज करके इसको C++ का नाम दे दिया गया था। आगे C++ एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका जो चौथा पॉइंट है वो है C++ इज अ स्टैटिस्टिकल टाइप कंपाइल्ड जनरल पर्पस केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड जनरल प्रोग्रामिंग। इसमें ये होता है कि C++ एक स्टैटिकल टाइप भी है, कंपाइल भी है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, मतलब किस्म की प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ये सेंसिटिव भी है, यानी कि ये अपर केसेस और स्मॉल केसेस को जो है वो इस हवाले से भी इसमें बहुत सेंसिटिव है, इसको भी जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करती है। फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसके लिए को प्लेटफॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्ट्स बना के भी इसको यूज करते हैं, और जनरिक प्रोग्रामिंग टाइप की ये सारी जो फीचर्स है ये इसके अंदर मौजूद है। C++ बेसिकली इसका नेक्स्ट जो स्टेप है, C++ जो है वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर्स गेम्स और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन को डिजाइन करने की इस्तेमाल होती है।
सी प्लस प्लस मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, लाइक जैसे प्रोसीजरल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शनल है, सो ऑन। तो यही वजह है कि ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये फ्लेक्सिबल भी है और इसी वजह से ये पावरफुल भी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी इसके प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के हवाले से। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या है? जैसे कि सी प्लस प्लस जनरली तौर पे तीन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले इसका होता है ये इसका प्रोग्रामिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, दूसरा लैंग्वेज और तीसरा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये तीन जो पार्ट्स हैं ये मुल्क के इसका बेसिकली इसका तीन चीजों पर यह सिस्टम मुश्तमिल होता है। सी प्लस प्लस जो है वो सिक्स इसका जो टिपिकली इसके छह फेजेस है। सबसे पहला जो फेजेस है वो है एडिट का, दूसरा फेज है प्री प्रोसेस का, तीसरा है कंपाइल, चौथा लिंक लोड एंड एग्जीक्यूट। तो ये जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं कि सबसे पहले एडिटर में होता क्या है, एडिटर में ये होता है कि सबसे पहले ये होता है प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है, वो प्रोग्राम को उसकी एडिटिंग करता है, प्रोग्राम की एडिटिंग करके और उसको पहले फेज में इसमें ये होता है इसको डिस्क के ऊपर स्टोर कर लिया जाता है। जैसे कि आप मुख्तलिफ किस्म के एडिटर यूज करते हुए इसको आप अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। उसके बाद क्या होता है दूसरे फेज में, क्या होता है दूसरे फेज में प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर में ये होता है कि प्री प्रोसेसर प्रोग्राम प्रोसेस द कोड। उसके बाद ये होता है कि प्री प्रोसेसर जो होता है वो ये जो हमने कोड टाइप किया होता है एडिटर में उसको प्रोसेस करता है। तीसरे फेज में क्या होता है कंपाइलर, कंपाइलर जो है वो कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर्स इट ऑन डिस्क। तीसरे ऑब्जेक्ट में ये होता है कि कंपाइलर क्या करता है ऑब्जेक्ट कोड इसका जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और उसको डिस्क के ऊपर स्टोर कर देता है। आगे आ जाते हैं ये चौथा लिंकर की तरफ आ जाते हैं। अब लिंकर जैसे कि नाम से ही लिंक कर रहा है किसी को जोड़ देना। अब लिंकर लिंक्स ऑब्जेक्ट कोड विद द लाइब्रेरीज। अब ये जो लिंकर है ये हमारे जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको जो मतलब किस्म की लाइब्रेरीज वगैरह है उसके साथ इसको जोड़ देता है और उसको उसके साथ अटैच कर देता है और ये क्या करता है ये उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट कर देता है और उसको दोबारा फिर डिस्क के ऊपर स्टोर कर लेता है। पांचवें फेज में क्या होता है पांचवें फेज में लोड किया जाता है लोडर। अब ये होता है कि ये डिस्क से क्या किया जाता है डिस्क से अब हमने फर्स्ट के जो भी प्रोग्राम है उसको हमने यूज करना होता है तो वो डिस्क से क्या किया जाता है उसको प्राइमरी मेमोरी के ऊपर उसको प्रोग्राम को लोड कर लिया जाता है मजीद उसको यूज करने के लिए। अब छठे फेज में ये होता है कि सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या करता है ये ऐसे करता है कि ये इंस्ट्रक्शन लेता है और इंस्ट्रक्शन लेके उसको क्या करता है एग्जीक्यूट करवाता है और स्टेप बाय स्टेप इस तरह ये करता है इंस्ट्रक्शन उठाता जाता है उसको प्रोसेस करता जाता है और उसकी आउटपुट जनरेट करता जाता है। और इसके अलावा इसको फॉर लेटर यूज के लिए क्या करता है इसको हार्ड डिस्क पे भी स्टोर करता जाता है। तो ये बेसिकली ये प्रोग्रामिंग बेसिकली ये इसके फेजेस है जिसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह ये प्रोग्राम क्रिएट होगी ये सारे फेजेस से गुजर के तो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है। जब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की बात आती है तो इसमें बात आती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है आईडी ये स्टैंड कर रहा था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसको हम आईडीई भी कहते हैं। आईडीई इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू कंप्यूटर प्रोग्रामर फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। अब आईडीई क्या है ये आईडीई ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप क्या करते हैं ये प्रोग्रामर को फैसिलिटी मिलती है कि वो क्या करता है वो अपनी कोडिंग करके और अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करके उसको डिजाइन करता है। अगर ये एनवायरमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो ये प्रोग्रामर जो है वो अपना प्रोग्राम नहीं बना सकता। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट के लिए हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब दो चीजों के जरिए जो है वो आप जो प्रोग्रामर है उसको आप एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। पहली बात आती है जी टेक्स्ट एडिटर की। अब टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है टेक्स्ट एडिटर जो है ये आपका कोई भी सिंपल लाइक आपके एक कंप्यूटर में जो है कोई भी एडिटर हो सकता है जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि आप वर्ड हो गया
और इस तरह करके मुख्तलिफ किस्म के आपके ऑलरेडी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जो है नोट पैड वगैरह इस तरह करके आपको एडिटर मिल जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या करता है, इसमें आप क्या करते हैं, अगर आपके पास नहीं है, कंपाइलर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट एडिटर करके आप अपनी इनिशियल जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए बेशुमार मार्केट में टेक्स्ट एडिटर्स मौजूद है, जैसे कि उसमें से कुछ के नाम जो ये यहाँ पे स्लाइड में मेंशन है, जैसे कि नोटपैड है, ओएस एडिट कमांड है, ब्रीफ है, एप्सिलॉन है, अमेकस है, और एडवीम है, और वी है, इस तरह कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के एडिटर्स जो है वो आपके पास मार्केट में मौजूद है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन एडिटर्स को यूज करके आप इस अपना जो कोड है वो इसके अंदर उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, उसको उसके अंदर टाइप कर सकते हैं। अब बात अब जो फाइल्स क्रिएट करते हैं आप टेक्स्ट एडिटर के अंदर, उसकी मुख्तलिफ किस्म की एक्सटेंशंस होती हैं, लेकिन जो आप C++ के लिए जो आप एप्लीकेशन को जो है वो करना चाह रहे हैं, उसकी फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन का नाम आप C++.C++.CP और या .C आप रखेंगे, तो क्या होगा, वो एडिटर जो है उसको एज ए कंसीडर करेगा C++ की फाइल है या C की फाइल है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात आ जाती है वो C++ कंपाइलर की आ जाती है। C++ कंपाइलर जो है वो प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये होता है क्या, ये बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए जो है उसके लैंग्वेज ट्रांसलेटर का होना जरूरी है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये होता है कि जो कि आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, ठीक है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज है, आपको पता है कि कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, बाहरी फॉर्म को समझता है, जबकि हम जो है वो जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स है उसको समझते हैं, हमारे लिए बाहरी लैंग्वेज इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर ये होता है कि इसके लिए हल क्या किया जाता है, हल ये किया जाता है कि जब आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तो आप इंग्लिश लाइक वर्ड्स में देते हैं, जबकि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जो वो बाहरी जो लैंग्वेज है उसको समझता है। तो फिर इसके लिए हमारे हमें जरूरत पड़ती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर में बेसिकली ये जो कंपाइलर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का फंक्शन सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कंपाइलर जो है वो आपका जो प्रोग्रामिंग कोड है उसको एज अ होल जो है वो क्या कर देता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है, सारी क्वेरी को पकड़ता है, सारी कोड को पकड़ता है और इसको कट्टे को ट्रांसलेट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि उसके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर में ये होता है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाई लाइन जो है वो प्रोग्राम को आपको कन्वर्ट करेगा, वो एक लाइन उठाता है, उसको क्या करता है, उसको इनकोडिंग करता है और उसको कन्वर्जन कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। इस तरह करके जहां पे एरर आती है तो वहां पे वो ब्रेक कर देता है, जबकि कंपाइलर जो है एज अ होल पूरे प्रोग्राम को उठाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है। अब बात कर रहे थे C++ कंपाइलर की, अब आपको पास C++ कंपाइलर होना जरूरी है प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो आपके पास बेशुमार मार्केट्स में कंपाइलर मौजूद हैं जिसको आप यूज करके आप अपनी C++ की जो प्रोग्रामिंग है उसको आप कर सकते हैं। दिस इज जो C++ कंपाइलर है, ये आपके सोर्स कोड को फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। मोस्टली मुख्तलिफ किस्म के जो कंपाइलर है वो आपके पास जो है ना वो मार्केट में मौजूद है। जैसे कि हम इस कोर्स में हम इंशाल्लाह जो है वो डेव C++ को यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में से पहले मैं आपको इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि आपने जो है वो C++ का कंपाइलर को आपने नेट से कैसे डाउनलोड करना है और उसको आपने कैसे अपलोड करके उसको फिर यूज कैसे करना है, क्योंकि हम कंपाइलर के बगैर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ये प्रोग्रामर को यूज करना इंतहाई जरूरी है।
तो ये था तो आज का हमारा जो है वो इस हवाले से सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और इसमें बेसिक चीजें जो है वो आपने देखी है, ठीक है। जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन किया है, इसके बाद फिर हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन किया है, और इसके अलावा फिर हमने सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो है वो हमने देखा है। तो ये तो था हमारा आज का पहला लेक्चर, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो और आपको कहीं से कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे बिला तकल्लुफ मैसेज करके या किसी तरह एडमोडो क्लास यूज करते हुए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।